तो गुड मॉर्निंग गाइस, हर हर महादेव। तो सुबह सुबह आके मैंने ऑफिस के बाहर पहले सबसे पहले पूजा कर लिया है, और पापा का भी फोन आया था। पापा का तबीयत ठीक है, उनका जो शुगर लेवल है वो बढ़ चुका है, तो अभी 2 दिन उनको और रखा जाएगा, उसके बाद उनको डिस्चार्ज करेंगे। शुगर लेवल को पहले नॉर्मल किया जाएगा। डायबिटीज़ था कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी चेकअप नहीं कराया था, तो अभी शायद डायबिटीज़ भी निकला है। तो जो भी हो, आगे जो जो होगा सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बने रहो ब्लॉग पे, देखते रहो, और पहले मैं आप लोगों को भगवान जी के दर्शन करा देता हूँ। हर हर महादेव, शिव शंभु। तो गाइस, हो गया आज का काम खत्म, और अभी हमारे मैनेजर लोग जा रहे हैं वसूली करने के लिए। वसूली करते हैं अच्छे एक साइड से पेमेंट नहीं दे रहा, वहां से वसूली करने जा रहे। छुरी पुरी नहीं है चंदो? छुरी पुरी नहीं है? छुरी नहीं बोला, रेखे दे दाओ काका, दाओ नाले केटे दो। पुष्पा राज घुसते ही मैक्स आ जाएगा सबसे। कड़ा लगू गु ना ब्लॉग बनो जी गुगु। अया आते ही तू मेरे पास आता, आज क्यों नहीं आया? खा पी के सो रहे मोटू 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 मोटू। तो गाइज, मेरे आज का लंच देख लो, रोटी पराठा मिक्स है, और ये है डालमा, ओडिशा का स्पेशल दाल है जो कि सब्जी के साथ पकाया जाता है, और ये मसाला वाला ड्रमस्टिक है जिसे हम लोग उड़िया में छुई बोलते हैं, डाटा भी बोलते हैं, बंगाली में डाटा बोला जाता है। और यहाँ पे प्याज और नींबू, और उसके साथ साथ नमक, बस और कुछ नहीं है। तो आज एकदम सिंपल फूड है, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड टेस्टी फूड है। मुझे तो बहुत पसंद है गाइस डालमा रोटी के साथ, बीच बीच में खाना चाहिए ऐसा हेल्दी फूड। तो चलो मैं अपना लंच कर लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। Later that night. तो गाइज, लंच करने के बाद मैंने बहुत लंबा नींद दिया था, क्योंकि कल गाइज चल चल के मेरा पैर इतना पेन कर रहा था, और बॉडी इतना पेन कर रहा था, क्योंकि बहुत दिन से ही सब चलना फिरना बंद हो गया था इसीलिए। तो अभी बज रहे हैं रात के 8:20 हो रहा है, ठीक है। तो आज जो है घर पे डिनर पे बनेगा राजमा एंड छोले, मम्मी ने मिला दिया क्योंकि छोले का क्वांटिटी भी कम था एंड राजमा का, तो दोनों को साथ में कुक किया जा रहा है। कैसे मैं बना रहा हूँ आप लोग देखो, एक छोटा सा रेसिपी आप लोग के साथ मैं शेयर करता हूँ, ठीक है गाइस। मैंने सबसे पहले कुकर में जो है रिफाइन ऑयल ले लिया, और उसमें अभी ऐड कर रहा हूँ जीरा, ठीक है, जीरा ऐड कर दिया। इसमें अभी डालूंगा मैं तेज पत्ता, देखो तेज पत्ता भी मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट, ठीक है। पहले थोड़ा सा इसको चटकने देता हूँ, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगा प्याज का पेस्ट। तक वहाँ पे जीरा और तेजपत्ता चटक रहा है, तब तक मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ राजमा जो है मैंने बॉईल करके रख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, तो देखो गाइस यहाँ पे अभी मैंने प्याज का पेस्ट डाल दिया है, और अभी हम लोग इसको भुनेंगे प्याज को जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। तो गाइस देखो, अभी प्याज जो है भुन गया है, तो अभी हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें लाल मिर्ची का भी, लाल मिर्ची को भी इसमें मिला के पेस्ट कर लिया गया, इसलिए इसका कलर रेड है। तो गाइस अभी मैं टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर दे रहा हूँ, जैसे कि अभी 50% मसाला पक चुका है, तो मैं इसमें टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर दे रहा हूँ। इनको साथ में कुक किया जाएगा जब तक टमाटर में से भी तेल ना निकलने लगे, ठीक है, मतलब टमाटर से तेल नहीं निकले, मसाले में से तेल ना छोड़ने लगे। गाइस देखो, यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, वो भी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है कलर के लिए, ठीक है। और अभी मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ धनिया पाउडर, ठीक है, धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अभी इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ ये है जीरा पाउडर, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने ले लिया है घर पे बना हुआ गरम मसाला, ठीक है। तो गाइस देखो, अभी जो है मैंने पानी ऐड कर लिया मसाले में, अभी इस मसाले को हम लोग ऐड कर देंगे इस वाले मसाले में, ठीक है। अभी हम इसको अच्छे से पकाएंगे और थोड़ा देर, उसके बाद इसमें हम लोग राजमा को भी ऐड करेंगे, और छोले को भी ऐड करेंगे, और पकाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलो, अभी मैंने मसाले के अंदर जो है छोले और राजमा जो है डाल दिए हैं, डाल के अभी इसको इसके साथ अच्छे से पकाऊंगा पहले एक बार मसाला, जिससे कि जो ये छोले और क्या बोले उसका नाम राजमा है, उसके अंदर
आ जाए जिससे कि उसके अंदर भी फ्लेवर आ जाए। ठीक है तो गाइस देखो मेरा चना मसाला या फिर राजमा मसाला जो भी बोलना है बोलो रेडी हो चुका है। ठीक है और एकदम मसालेदार बना है। मम्मी भी बोल रही है क्या दोनों इसमें डाल दिया जिसकी वजह से इतना गाढ़ा हो गया, बट मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, सब कुछ मसाला ही था जो भी मैंने आप लोगों के सामने ऐड किया और कुछ भी नहीं था ऐसा वैसा इसमें। ठीक है तो चलो गाइस पहले मैं लेके जा रहा हूँ रंजन मामा के लिए, टिफिन पैक हो रहा है अभी जो निकालूंगी। तो गाइस हम लोग के घर में सब्जी जो है बहुत ज्यादा खाया जाता है और जो कि बहुत ही अच्छी चीज है, इसमें कुछ खराब सोचने का नहीं है, जितना सब्जी खाएंगे उतना प्रोटीन आपको मिलेगा। गाइस मैक्सू का रिएक्शन देखो यहाँ पे, पापा का वीडियो बना रहे थे, पापा को देख के भौंके जा रहा है तब से। मैक्सू पापा सोए हुए। चलो कुछ ही दिन में आ जाएंगे पापा, क्यों ऐसे हो रहा है तू, देख रहे हो कितना प्यार करता है अपने पापा से। हे पापा ले पापा ले चलो 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 पापा सीख ले हेलो मैक्सू पापा सीख ले असिख ले पापा से पूरा वेट कर जी पापा आसीला रखे दो बनी से ओ पापा आई रे पापा आसी जबे दी गोटे दिन भीतर आसी ना हाय हाय देख पापा आईडी देख पापा देख देख। तो गाइस मामा का खाना देके आ गया हूँ, खाना पीना भी हो चुका है तो और ज्यादा कुछ है नहीं दिखाने को, तो मैं मिलता हूँ मैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। अभी का अपडेट यही है कि पापा एकदम मतलब सुस्त हैं, अभी ठीक हैं, अभी कोई भी उनकी तकलीफ नहीं है, बस उनका शुगर लेवल जो है बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर ने बोला है कि जब तक वो कम ना हो जाए तब तक उनको यहाँ रहना होगा, तो बहुत जल्द पापा मतलब डिस्चार्ज हो जाएंगे और घर वापस आ जाएंगे। ठीक है तो बस यही था आज के ब्लॉग में।